पाहुर यात्रा रे आसला मां समले लागी नुआ चुराकुणा बलांगीर जिल्ला रो इष्टदेवी मां समलेई आर मां पाटनेश्वरी ठारे पाहुर लगा हिछे। बलांगीर जिल्ला ने नुआखाए दिन करा घुरु माठानी पाहुर लगा हेसी। पाहुर भारती देवी मां रो परिधान लागी नुआ कपड़ा श्रृंगार भोग आर उनिहा दरकारी समान माने लगा हेसी। आघनु ई पाहुरटा राजा घठानु आसुथबार बेले एबे कोसळी संस्कृति सांसद रो महामंत्री हिमांशु पाढी घठानु आसुछे। दुई बछर हेला कोरोना कटकणा लागी पाहुर बंद थिला। विधि रक्षा लागी पाहुर भारटा खाली इष्ट देवी ठाने पहुंचे दिया हेउथला। ई बछर पाहुर भार आसुथबार लागी सबकर्मनी उसद देखबा के मिलछे। पश्चिम ओडिसार गणपर्व नुआखाई आरु आज माँ समलेश्वरी आर पाटनेश्वरी लगी पाहुल आसीथिला। पाहुल थी साड़ी चूड़ी सिंदूर कुंकुम पनीपरिया के नहीं करी फलमूल के नहीं करी माँ के दिया पहुँची थिला समलेश्वरी मंदिर आर पाटनेश्वरी मंदिर। पाहुर यात्रा रे माँ वस्त्र अच्छे माँ ठाने कल की नुआ जहाँ जहाँ लगवा धान कुरे पत्र घी महु गुड़ चीनी अटा चाउल डाली पनीपरिया पूजक नुआ वस्त्र काली माँ ठाने सब नुआ जिनस लगे नुआखाई उपलक्षे एवं आज भक्त मैंने से सब नहींक्र गोटे राजकीय शोभायात्रा माँ ठाने पहुँचा। दुई वर्ष है सरकार कोविड नियम के पालन करी आम नीति नियम आम परंपरा के रक्षा करी आनी पहुँचे दूसू बिना शोभायात्रा यर्ष सब कटक उठीगला आम ताकि कोविड नियम पालन करी आनी माँ ठाने सब सामान पहुँचे। बलांगीर स्थित समलेश्वरी मंदिर पूजक टंकधर ऋषि नुआखाई पहड़ ए बलांगीर बासी बजा घट साग बजेक माल निक आनी नुआ खुआ जेनटा कि कल एगार दस पंचावन रु एगार आठ मध्य माँ को नवान्न भग लगवा और बलांगीर बासी आसिक माँ ठान नुआ खुआ नहीं पर ଫଳମୂଳ ରହିଛି ପନିପରିବା ରହିଛି ମାର୍କ ଲାଗି ସିଙ୍ଗାର ରହିଛି ବସ୍ତ୍ର ରହିଛି ସିଆ ଧାନ ରହିଛି ଫୁଲ ଫଲ କରିକରି ଆଣି ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଜାମାନେ ଯେ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ଅଣା ହେଇଛେ ଯେ ନୂଆ ସିଙ୍ଗାର ଅଣା ହେଇଛେ ନୂଆଖାଇ ଦିନ ସେଇଟା ମାଆଙ୍କୁ ପରିଧାନ କରାଯିବା ତାପରେ କରାଯିବା ହଁ ପରିଧାନ କରାହେବା ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ହେବା ମାଆଙ୍କୁ ମହାସ୍ନାନ ହେବା ଆଉ ସେସବୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିକରି ମାଆଙ୍କ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଥା ଲାଗିଥିଲା। ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା କୋରୋନା ହେଇଥିଲା ମନ୍ଦିର ମଠ ସବୁ ବନ୍ଦ ଥିଲା ଫେର ବି ନୂଆ ଗୁଣା ମା ଠାନେ ଲାଗିଛେ ଭକ୍ତମାନେ ବି ନୂଆ ଗୁଣା ଖାଇଛନ୍ ସବୁ ନିୟମକାନୁନକେ ମାନିକରି ସେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଆଣି ନେଇକରି ମା ଠାନେ ନୂଆ ଗୁଣା ଲାଗିକରି ସବୁ ଶାନ୍ତିରେ ପଠେଇଛି। କାଲକେ ମା ଦଶରୁ ଏଗାର ବଜେ ଭିତରେ ଖାଇବେ ନୂଆ। ବଲାଙ୍ଗୀରୁ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ପୃଷ୍ଟି ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।